कैम छो मुजामा अरे मामा एनकाउंटर ये शब्द सुनकर बड़े बड़े दुरम खान बड़े बड़े क्रिमिनलों की हवा निकल जाती है। अरे आजकल उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एनकाउंटर हो रहे हैं। योगी बाबा के सरकार में आने से जिस उत्तर प्रदेश को माफियाओं का गढ़ कहा जाता था, बुलंदशहर हाईवे पे माँ बेटी के साथ एक साथ रेप हुआ था। आज यहाँ के माफिया डर के मारे अपना गढ़ खाली कर रहे हैं या फिर 9 mm की पिस्टल की गोली का शिकार हो रहे हैं। गुंडे बदमाश या तो प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं या वे ठोक के जा रहे हैं। पिछले 6-7 महीने में आपने देखा कैसे अति गहमत का पूरा कुनबा तबाह कर दिया गया, यानी अब अपराधियों की भाईगिरी का अध्याय खल्लास होता जा रहा है। 90 के दशक में भी मुंबई अंडरवर्ल्ड का सफाया हुआ था। कुछ एड़े खाकी वर्दी वाले आए थे जिन्होंने पूरे मुंबई के भाइयों को कुत्ते की तरह मौत की घाट उतारा था। आज मुंबई शांत है। खैर लाखों लोग हर रोज इंटरनेट पर यह सर्च करते हैं कि भाई देश में पहला एनकाउंटर कब कहाँ और किसका हुआ था। जब ये सवाल जाने माने इंटरनेट सर्च इंजन पर पूछो तो जवाब मिलता है मानिया शुरू है। बताया जाता है कि देश में पहला एनकाउंटर मुंबई के मशहूर गैंगस्टर रहे मानिया सुरवे का हुआ था और कई बड़े बड़े न्यूज चैनल क्राइम एक्सपर्ट भी यही बताते हैं कि पहला एनकाउंटर मानिया का ही हुआ था। लेकिन मामा ये बात सच नहीं है रे, यानी देश में पहला एनकाउंटर मानिया सुरवे का नहीं हुआ था। जब हमने देश में हुए पहले एनकाउंटर के सवाल पर लोगों की दिलचस्पी महसूस की तो हमने भी खूब सर्च किया और तब जो कहानी निकल कर आई वो वाकई में खौफनाक और भयानक थी। मैं लौरिक यदुवंशी, स्वागत है आपका गुज्जू हिस्टोरिकल मैन .com के यूट्यूब चैनल पर। रे मामा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब बटन को उड़ा दो, लाइक की वाट लगा दो, बेल आइकन की पुंगी बजा दो। कहानी ये थी कि जब देश में जिस शख्स का पहला एनकाउंटर हो रहा था तो उसे पेड़ से बांध कर पुलिस वाले अंधाधुन गोलियां बरसा रहे थे। इस शख्स की मौत से लाखों लोग खून के आंसू रो रहे थे। उस जमाने में इस शख्स के होने की खबर से पूरी सरकार थर्राने लगती थी। ये है कि दुनिया में एनकाउंटर के मामले भारत में ही शुरू किए जाते हैं। पहली बार रिकॉर्डेड एनकाउंटर हैदराबाद और ब्रिटिश फौज ने किया और इसे फाइलों में दर्ज भी किया। इसके बाद आज़ादी से पहले हैदराबाद निजाम की पुलिस को एनकाउंटर करने के अधिकार दिए गए थे। सन 1922 में हैदराबाद रियासत की पुलिस ने जिस शख्स का एनकाउंटर किया था वह आदिवासियों के हीरो थे और उस समय वह चर्चित हुए रंपा विद्रोह के नायक जिसने अंग्रेजों के साथ हैदराबाद निजाम की भी नींद उड़ा दी थी। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहले रिकॉर्डेड एनकाउंटर में शहीद हुए अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। तो मामा चलो फिर जानते हैं कौन थे अल्लूरी सीताराम राजू। कौन सी वजह थी कि लाखों लोग उन्हें देवता मानते थे? क्यों निजाम की पुलिस से लेकर पूरी ब्रिटानिया हुकूमत उनसे खौफ खाती थी? ऐसा क्या हुआ था कि इतना खूंखार योद्धा पुलिस के हाथ आ गया और उनका एनकाउंटर कर दिया गया? उसके बारे में छापने वाले सूचना पत्र उनकी गोंद सूखने से पहले ही फाड़ दिए जाते हैं। जिसने भी उसे अंधेरे में परछाई की तरह देखा वो हाथ जोड़कर उसकी पूजा करता है। 4 जुलाई 1897 का वह दिन जब विशाखापट्टनम के पांड्रिक गांव में अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म हुआ। राजू का पालन पोषण उसके चाचा अल्लूरी रामकृष्ण के परिवार में हुआ। राजू के बापू अल्लूरी वेंकट रामा राजू गोदावरी के मांगुल गांव में रहते थे। उन्होंने बचपन से ही सीताराम राजू को यह बताकर क्रांतिकारी संस्कार दिए थे कि अंग्रेज ही तो हमें गुलाम बनाए हैं जो देश को लूट रहे हैं। इन शब्दों की सीख के साथ ही पिता का साथ तो छूट गया लेकिन विप्लव पथ के बीज लग चुके थे। अब अल्लूरी सीताराम राजू जवान हो चुके थे और 2 वर्ष के लिए सीतामई की पहाड़ियों में साधना करने निकल पड़े। यही वह समय था जब राजू ने आदिवासियों और गरीबों की पीड़ा को करीब से जाना, उन्हें उठ खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। राजू के क्रांतिकारी साथियों में बिरैया दोरा का नाम विख्यात है। बिरैया दोरा का प्रारंभ से अपना संगठन था, वह भी आदिवासियों का ही एक संगठन था जिन्होंने अंग्रेजों से युद्ध छेड़ रखा था। सन 1918 उस दिन अंग्रेजी फौज और बिरैया दोरा के बीच भयानक मुठभेड़ चली
जिसमें अंत में जख्मी बिरैया द्वारा पकड़ा गया। उसे जेल में रखा गया, लेकिन वह जेल की दीवार कूदकर जंगल में भाग गया रहे। लेकिन एक रात फिर ब्रिटानिया पहुंच, जब बिरैया द्वारा का आमना सामना हुआ, फिर से वह अत्याचार गया। इस बार अंग्रेजी हुकूमत बिरैया द्वारा को फांसी पर लटकाने के मूड में थी, परंतु उस वक्त सीताराम राजू का संगठन हुंकार भर चुका था। खूंखार बागियों का पूरा जमावड़ा एक ही सरदार का हुक्म मानता था, वह था अल्लूरी सीताराम राजू। सीताराम राजू के खूंखार क्रांतिकारियों की फौज अंग्रेजों के छक्के छुड़ा रही थी। बड़े बड़े अफसर उनके नाम मात्र से कांपने लगते। वह ब्रिटिश सत्ता को खुलेआम चुनौती देता था, मानो ब्रिटानिया हुकूमत के अफसरों का कारजाई फाड़ दिया हो। एक योद्धा, उसे अब कोई नहीं रोक सकता। इधर ब्रिटिश सरकार बिरैया द्वारा को फांसी पर लटकाने फरमान जारी कर चुकी थी, तभी अल्लूरी सीताराम राजू ने ऐलान कर दिया, मैं बिरैया को रिहा करवा कर रहूंगा, दम है तो रोक लो। और मामा वही हुआ जो नियति को भी मंजूर था। सन 1920 जब अंग्रेजी फौज बिरैया को बेड़ियों में जकड़े हुए अदालत ले जा रही थी, इधर अल्लूरी सीताराम राजू की पूरी फौज ने धावा बोल दिया। मारो काटो के चीख पुकार, मानो पूरा जंगल त्राही माम पुकार उठा। अंग्रेजी फौज के जवानों के चिथड़े उड़ रहे थे। राजू के बागियों ने मानो आज मरने मरने की कसम खा ली हो। और इस तरह राजू बिरैया को दिन दहाड़े छुड़वा कर ले गया। उस दिन इतनी गोलियां चली थी, बावजूद राजू का बाल भी बाका नहीं हुआ रहे। और इस घटना ने ब्रिटिश सरकार के गुरूर को हिला कर रख डाला। अब बिरैया को छोड़ ब्रिटिश हुकूमत का एक ही मिशन रह गया, अल्लूरी सीताराम राजू जिंदा या मुर्दा। अब आलम यह था कि दो योद्धा एक साथ आ चुके थे। राजू और बिरैया की जोड़ी ने पूरे सुबह में तहलका मचा दिया था, साथ साथ इस गिरोह की ताकत भी बढ़ने लगी। अब उसे रोक पाना नामुमकिन था। राजू के दल में दो और जाबाज क्रांतिकारी थे, मल्लू दोरा और गाम गल्टन। राजू की फौज अब दिन दहाड़े अंग्रेजी फौज को ललकारने लगी। दिन दहाड़े पुलिस थाने जला दिए जाते, अंग्रेजों के घर लूट लिए जाते। चारों ओर कहर मच चुका था, हाहाकार मचा हुआ था। ब्रिटानिया हुकूमत बेबस थी। क्रांतिकारी राजू ने आंध्र के क्षेत्र में सैकड़ों युवाओं में क्रांति की अलग जगाई। उसकी एक आवाज पर लोग मरने मरने को तैयार रहते थे। सीताराम राजू की एक ताकत यह भी थी कि वह गुरीला युद्ध पत्ती से युद्ध करते हैं और फिर नल्लई मल्लई की पहाड़ियों में गायब हो जाते हैं। इस तरह ब्रिटिश अफसर लगातार राजू से मात खाते रहे। अंत में तंग आकर केरल की मलाबार पुलिस के दस्ते राजू पर लगाए गए, क्योंकि उन्हें पर्वतीय इलाकों में छापे मारने का अनुभव था। लेकिन वह भी राजू के सामने टिक ना सके। फिर असम राइफल को बुलाया गया। 6 मई 1924 असम राइफल और अल्लूरी सीताराम राजू के काफिले के बीच भयानक मुठभेड़ हुई, जिसमें राजू के सारे साथी शहीद हो गए, पर राजू बचे रहे। अब ईस्ट कोस्ट स्पेशल पुलिस उसे पहाड़ियों में चप्पे चप्पे पर खोज रही थी। 7 मई 1924 जब अकेला जख्मी हालत में जंगल में भटक रहा था, तो वहाँ खोज रहे पुलिस अफसर की नज़र राजू पर पड़ गई और उसका पीछा किया और मौका देख पीछे से गोली चला दी। अब उसे गिरफ्तार कर यातनाएं शुरू हुई। अंत में इस महान क्रांतिकारी को गोदावरी नदी के किनारे एक पेड़ से बांधकर अंग्रेजी फौज और हैदराबाद निजाम की पुलिस ने मिलकर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। पेड़ से बंधे इस महान योद्धा का पूरा शरीर छल्ली हो चुका था, रक्त मानो पानी की तरह बह रहा था। कहते हैं मौत की भयानकता के बीच भी राजू के चेहरे पर स्वराज की लहर थी। उसके चेहरे का तेज कह रहा था, मैं मर के भी जिंदा रहूंगा। आज भी गोदावरी नदी और नल्लई मल्लई की पहाड़ियाँ, जहाँ आज भी अल्लूरी सीताराम राजू को जिंदा माना जाता है, देवता की तरह पूजा जाता है। और इस मुठभेड़ के बाद हैदराबाद पुलिस को आधिकारिक तौर पर निजाम की ओर से एनकाउंटर की छूट मिल गई थी, क्योंकि राजू की मौत को एनकाउंटर के तौर पर पहली बार रिकॉर्ड किया गया था। तो मामा ये था देश का पहला एनकाउंटर। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो फिर चलो इस लॉरिक यदुवंशी का राम राम, मिलते हैं फिर।